ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है चौबीस सात सौ अठहत्तर डेलो पे ट्रेड करता हुआ और आज ये पूरा का पूरा आई थिंक जो क्रैक है उसको ऑटो ने स्पॉन्सर किया है और ऑटो के क्रैक को स्पॉन्सर किया है बजाज ऑटो ने बजाज ऑटो आपके स्क्रीन पे आएगा वर्सेस हाई ऑफ ट्वेल्व एट नाइनटी तीस सेप्टेम्बर इसका हाई लगा था आज दस तीन सौ नौ बात वो नहीं है आज स्टॉक इस वक्त आपके स्क्रीन पे करीब ग्यारह परसेंट नीचे है देखिए नंबर्स आए बट नंबर्स पे क्या क्रिटिकल पार्ट था और आखिर कमेंट्री में ऐसी बात क्या कही गई क्या कहा गया फेस्टिवल्स डिमांड को लेकर जो एच ये बजाज ऑटो तो इतना क्रैक हो रहा है यतिन हमारे साथ मौजूद है यतिन एक एक करके समझाइए नंबर्स में क्या नेगेटिव था और कमेंट्री सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बाजार इस वक्त इस पर निगेटिवली रिएक्ट क्यों कर रहा है जी तो बजाज ऑटो तो के क्यू के नंबर्स की बात करें तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे थोड़े बहुत सुस्त जरूर थे नंबर्स लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो है फेस्टिव सीजन की डिमांड को लेके उस पर काफ़ी चिंताएं बाजार में आती हुई नज़र पड़ी इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना ये था कि जो फेस्टिव सीजन डिमांड है वो लगभग पाँच परसेंट की ग्रोथ ही दिखाएगी बाज़ार का अनुमान था कि 10 से 12 परसेंट की टू व्हीलर ग्रोथ रहने वाली है फेस्टिव सीजन में क्योंकि ऑन द ग्राउंड डिमांड ठीक ठाक लग रही थी लेकिन जिस हिसाब से नवरात्रि और दशहरा की डिमांड ट्रेंड्स दिखाई दे रही हैं बजाज ऑटो ने अपना गाइडेंस टोन डाउन किया जिसके कारण शेयर में आप प्रेशर देख रहे हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होगा हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी ईवी में इसमें मार्जिनस कम है जिसके कारण ओवरऑल मार्जिनस पे एक ड्रैग आ सकता है ऐसा ब्रोकरेज का मानना है इनफैक्ट सिटी की एक सेल कॉल है बजाज ऑटो पे सात हज़ार आठ सौ के टारगेट्स के साथ इनको लगता है कि ग्रॉस मार्जिनस और एवरेज सेलिंग प्राइस में जो कमज़ोरी है उसके चलते नचीजे ख़राब हुए हैं जेफरीज को भी लगता है कि जो अर्निंग्स हैं तीन से चार परसेंट बिलो एक्सपेक्टेशन रही हैं और उनका एक ओवरवेट कॉल है तेरह हज़ार चार सौ के टारगेट के साथ और मॉर्गन सैनली का भी ओवरवेट कॉल है हालांकि उनको लगता है कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ को वहां थोड़े बहुत आते हुए नजर पड़ जी हाँ तो ये आपने हाउस व्यूज सुने कमेंट्री सुनी और नंबर्स में कुछ पॉइंट्स में वीकनेस थी और साथ ही साथ जो फेस्टिवल डिमांड है वो काफी कम मतलब जहां एक्सपेक्टेशन 10 से 12 परसेंट की थी वो हार्डलीअे पांच परसेंट एक बहुत बहुत शुक्रिया

यहां से मुझे लग रहा है कि मारुति का ब्रेकडाउन अगर सीवियर हो तो ये कंफर्टेबली 250 275 तक के लेवल भी दिखा सकती है सो so, मुझे लग रहा है कि मारुति में वीकनेस है जो प्रनाउंस हो सकती है ओके okay, मारुति की वीकनेस और मीनवाइल uh, आप जरा प्लीज नेस्ले को लेकर ये नेस्ले नंबर्स के बाद क्रैक हुआ है और ये सारा मैटर था टॉप लाइन का देखिए जब बॉटम लाइन की फिगर आई स्टॉक ने पुल बैक लिया फिर मैं अब देख रहा हूँ कि जैसे ही टॉप लाइन की फिगर आई जहाँ पे करीब करीब याद रखिएगा 300 करोड़ रुपए का मिस है जहाँ पे करीब तिरपन पचास चौवन सौ करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी टॉप लाइन रहा है करीब इक्यावन सौ करोड़ रुपये का तो उस मिस पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है टू थ्री नाइन जीरो नेस्ले अब करीब करीब डेढ़ पर और एक और बात याद रखिएगा नेस्ले अपने पिछले फॉल यानी वो जो गिरावट थी आ, एक, एक सेकेंड जून 2024 की जब ये अपने 200 हंड्रेड डे एक्सपोनिश्लिंग एवरेज के नीचे चला गया था ये गिरावट उसको भी ओवर एक्सीड कर चुके हैं क्योंकि जब 200 हंड्रेड एमा से काफी नीचे कोई स्टॉक होता है तो फिर जाके हमको वीकली पे एक रेफरेंस लेना पड़ता है वीकली दिखा रहा जनाब कि ये बहुत ही खराब परिस्थिति है इस वक्त नेस्ले की खैर हम इस आएंगे तो मार्केट को एक प्रेशर पॉइंट और मिल गया है और शायद मेरे ख्याल से ये जो इम्पैक्ट डालेगा रेस्ट ऑफ द एफ एम सी जी डालेगा डेफिनेटली डालेगा एक काम करते हैं ब्रेक लेके आते हैं उसके बाद लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड